नमस्कार। 24 से 29 जनवरी के बीच में इंडोनेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट चल रहा है। मैन सिंगल्स की बात करें तो भारत के श्रीकांत किदांबी पहले ही दौर में बाहर हो चुके हैं, जबकि लक्ष्य सेन जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सातवीं सीड लक्ष्य सेन का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया के जो कि फोर्थ सीड खिलाड़ी हैं उनके साथ होगा। इसके अलावा पी राजावत और एच एस प्रणय को भी पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। वुमेन सिंगल्स की बात करें तो मालविका बंसोद भी पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई, जबकि साइना नेहवाल को दूसरे दौर में आठवीं सीड चाइनीज खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा 15-21, 7-21 से। इसके अलावा आकर्षी कश्यप भी पहले ही दौर में हार कर बाहर हो गई। मेंस डबल्स की बात करें तो मेंस डबल्स में जो भारतीय जोड़ी है ईशा भटनागर और के एस प्रतीक की, उन्हें भी पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। वहीं केपी गार्जा और वीजी पंजाला की जोड़ी को भी हार का सामना करना पड़ा पहले ही दौर में। वुमेंस डबल्स की बात करें तो वुमेंस डबल्स में ए भट्ट और एस गौतम की जोड़ी को भी पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा, जबकि जो नई जोड़ी बनाई है टी कैस्ट्रो अश्विनी पोनप्पा और एच मंजिल और ए रॉय की जोड़ी के बीच में ही आपस में मुकाबला था। तो इस मुकाबले को जीतकर टी कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने सेकेंड राउंड में प्रवेश किया है, जहां उसका मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स की बात करें तो मिक्स डबल्स में जो भारतीय जोड़ी है ईशा भटनागर और टी क्रिस्टो, उन्हें हार का सामना करना पड़ा तीसरी सीट जोड़ी से। वहीं आर कपूर और एनएस रेड्डी की जोड़ी को भी जो है वो हार का सामना करना पड़ा इंडोनेशियाई जोड़ी से। तो इस तरह से वुमेंस डबल्स में सेकेंड राउंड में और मैन सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में भारतीय चुनौती जो है अभी बची हुई है इंडोनेशियाई मास्टर्स टूर्नामेंट में। धन्यवाद।